गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू द मैथ्स क्लास सो इन ट्वेंटेज मैथ्स लेक्चर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नाइन पॉइंट टू बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज लेट्स रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक कल हमने किया था दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर एंड मीटर इंटू सेंटीमीटर तो हमें पता है कि वन मीटर किसके बराबर होता है हंड्रेड सेंटीमीटर्स के बराबर होता है एक मीटर तो जब हमें मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं हंड्रेड से मल्टीप्लाई जब आपको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हंड्रेड से क्या करना है मल्टीप्लाई लेकिन जब आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हम हंड्रेड से क्या करते हैं डिवाइड सो दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर एंड वाइस वर्सा तो आज वाले टॉपिक के अंदर हम करेंगे कि हम किलोमीटर को मीटर में या मीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं तो जो वन किलोमीटर होता है उसके अंदर वन थाउजेंड मीटर्स होते हैं जब आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है मतलब आपको किलोमीटर्स दिए हैं आपको मीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे वन थाउजेंड से क्योंकि जो वन किलोमीटर है वो कितने मीटर्स के बराबर होता है वन थाउजेंड मीटर्स के बराबर लेकिन जब आपको मीटर से किलोमीटर बनाना है आपको ऑपोजिट करना है मीटर से किलोमीटर बनाना है तो आप डिवाइड करोगे किससे वन थाउजेंड से तो इस तरह से हम मीटर को किलोमीटर में और किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे सो लेट्स ट्राई फ्यू क्वेश्चन सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इन टू मीटर्स यहाँ आपको कुछ नंबर्स दिए हैं अलॉन्ग विद द यूनिट्स आपको इन लेंथ्स को मीटर्स के अंदर चेंज करना है अभी मैंने आपको बताया कि जब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वन किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर होता है वन थाउजेंड मीटर्स के इसीलिए 3 थ्री किलोमीटर को अब अगर हमें मीटर्स में चेंज करना है तो हम थ्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वन थाउजेंड से सो हेयर वी मल्टीप्लाई थ्री विद थाउजेंड जब हमने थ्री को थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया तो किलोमीटर की जगह यूनिट्स क्या आ जाएंगे मीटर्स तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया मल्टीप्लाई करके थ्री थाउजेंड मीटर सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन किलोमीटर हंड्रेड मीटर इसे भी हमें मीटर्स में चेंज करना है लेकिन यहाँ जो पीछे वाला नंबर है विच इज हंड्रेड ये तो मीटर्स में ही है लेकिन नाइन किलोमीटर है इसको मीटर्स में हमें चेंज करना पड़ेगा तो सिर्फ आपको जो आगे वाला नंबर है उसे चेंज करना है पीछे वाले को आप एज इट इज रखोगे तो नाइन किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो नाइन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम वन थाउजेंड से तो ये किस में चेंज हो जाएगा किलोमीटर की जगह क्या आ जाएगा मीटर और पीछे तो हंड्रेड मीटर ही है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे हंड्रेड मीटर अभी नाइन को थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया नाइन थाउजेंड मीटर इसके साथ हमारे पास कितने मीटर्स और हैं हंड्रेड मीटर अब टोटल निकालेंगे दोनों को ऐड कर दो तो नाइन थाउजेंड मीटर और हंड्रेड मीटर कितने हो गए जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा नाइन्टी वन हंड्रेड मीटर तो जब भी आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे वन थाउजेंड से टू तो गेट द फाइनल आंसर नेक्स्ट इज़ कन्वर्ट द फॉलोइंग इन टू किलोमीटर्स एंड मीटर्स अभी हमें किस में चेंज करना है इन्हें किलोमीटर्स और मीटर्स में चेंज करना है मतलब आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए उसमें दोनों यूनिट्स होने चाहिए किलोमीटर भी और मीटर भी हमारा क्वेश्चन है जो वो मीटर्स के अंदर है जैसे फर्स्ट है फोर थाउजेंड मीटर जब हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो हम किससे डिवाइड करते हैं वन थाउजेंड से तो अगर हमें इसे किलोमीटर में चेंज करना है तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे वन थाउजेंड से और डिवीजन तो बहुत सिंपल है क्योंकि नीचे भी थ्री जीरोस हैं ऊपर भी तीन जीरोस हैं कल तो हमने किया था ना कि अगर नंबर फ्रैक्शन में होता है और पीछे ज़ीरोज़ होती हैं तो ज़ीरोज़ तो क्या हो जाते हैं कैंसल तो एक ज़ीरो के साथ ये वाला ज़ीरो कैंसिल सेकेंड के साथ ये वाला ज़ीरो कैंसिल थर्ड के साथ ये वाला क्या बचा फोर बाय वन विच इज़ फोर तो हमारा आंसर क्या आ गया फोर किलोमीटर सिमिलरली फाइव थाउजेंड मीटर है इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो फाइव थाउजेंड को किससे डिवाइड करेंगे वन थाउजेंड से ये तीन जीरोस हैं ये तीन जीरोस क्या हो जाएंगी तीन जीरोस के साथ कैंसिल हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा फाइव किलोमीटर नाउ अभी ये दोनों तो क्या थे राउंडेड नंबर्स थे ना इनको तो डिवाइड करना इजी था क्योंकि इसके पीछे भी तीन हैं डिवाइड किया नीचे भी तीन जीरोज थे लेकिन अगर हमारा नंबर कुछ इस तरह से हो फोर टू सेवन फाइव तो इसे डिवाइड करना क्या है डिफिकल्ट तो इसे हम पहले क्या करेंगे थोड़ा सिम्पलीफाई करेंगे तो अभी इस नंबर को सिम्प्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे इसे हम रीड करते हैं ये क्या है फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव तो जो थाउजेंड वाली टर्म है उसे हम अलग करेंगे क्या लिख सकते हैं हम इसे फोर थाउजेंड और क्या है टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सेवनटी फाइव तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना फोर थाउजेंड के अंदर अगर हम टू सेवेंटी फाइव ऐड करें तो यही बनेगा हमारा फोर थाउजेंड टू हंड्रेड सेवनटी फाइव अब जो ये पूरा किसके अंदर है ये मीटर्स के अंदर है लेकिन जो आगे वाला नंबर है इसको तो किलोमीटर में चेंज करना इजी है ना अभी हमने किया था यहाँ पे फोर थाउजेंड को तो किलोमीटर में चेंज करना बहुत इजी है अब थाउजेंड से डिवाइड करो लेकिन जो पीछे वाला नंबर है टू सेवेंटी फाइव ये क्या है वन थाउजेंड से छोटा है और इसे वन थाउजेंड से डिवाइड करना क्या है डिफिकल्ट तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे तो फोर थाउजेंड को जब हमने किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे वन थाउजेंड से डिवाइड तो ये वाला नंबर है जो आगे वाला ये किस में चेंज हो जाएगा किलोमीटर में और पीछे वाला नंबर है उसको मीटर्स में ही रहने दो क्योंकि वो वन थाउजेंड से क्या है छोटा है अब इसको डिवाइड करेंगे ये तीन जीरोस और ये तीन जीरोस क्या हो जाएंगी कैंसिल क्या आ गया फोर किलोमीटर उसके साथ कितने मीटर्स हैं टू हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव मीटर्स तो इस तरह से अगर आपका नंबर राउंडेड फिगर के अंदर नहीं है ना पीछे जीरोस नहीं है तो आप इस तरह से पहले उसे सिंप्लीफाई करके लिखोगे थाउजेंड वाली टर्म को अलग निकालोगे बाकी बचाओ नंबर जो थाउजेंड से छोटा उसे अलग जो जो नंबर थाउजेंड से छोटा उसको आप एज इट इज रहने दोगे आगे वाले नंबर को हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे हमारा क्वेश्चन भी यही था क्वेश्चन क्या था हमें किलोमीटर्स और मीटर्स दोनों में चेंज करना था तो जो राउंडेड नंबर नहीं होता वो इस तरह से उसका आंसर किलोमीटर और मीटर दोनों में आता है सो आई होप नू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत इजी है इसको सिर्फ मीटर्स में चेंज करना है 1000 से किलोमीटर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर मीटर्स में आ जाएगा और ये वाला पार्ट अभी हमने किया कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू टू किलोमीटर्स एंड मीटर्स मतलब आपका जो आंसर है उसे आपको किलोमीटर्स और मीटर्स दोनों के अंदर चेंज करना है ये तो अभी हमने ट्राई किया है तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक पर सॉल्व करने हैं उसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है वो क्या है अरेंज द लेंस गिवन इन पार्ट ए इन असेंडिंग ऑर्डर एंड गिवन इन पार्ट बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर जो ए पार्ट है उसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है जो बी पार्ट है उसे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो आप इसमें क्या करोगे देखो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या यूनिट्स अलग अलग है फर्स्ट वाला मीटर में है सेकंड वाला मीटर में है थर्ड वाला किलोमीटर में है फोर्थ वाला फिर से मीटर में है ये वाला किलोमीटर में है और ये वाला किलोमीटर में है मतलब आपकी ए पार्ट के अंदर तीन टर्म्स तो मीटर के अंदर है तीन किलोमीटर्स में है अगर आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है पहले या तो आप क्या करो मीटर वाली सारी टर्म्स को किलोमीटर में चेंज कर लो या फिर जो किलोमीटर में है उन्हें मीटर में चेंज कर लो मतलब आपको सबकी यूनिट्स क्या करनी है सेम करनी है और उसके बाद आपको क्या करना है इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सिमिलरली जो बी पार्ट है उसके अंदर भी आपको सेम करना है किलोमीटर वाली टर्म्स को आप क्या करोगे मीटर में चेंज कर लोगे सारे यूनिट्स मीटर में हो जाएंगे बाद में आपको क्या है आइडेंटिफाई करना इजी है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है बी पार्ट को तो ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है तीनों क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक पर सॉल्व करने हैं सो प्लीज़ कम्प्लीट दिस एक्सरसाइज ऑन योर नोटबुक इन नीट हैंड राइटिंग थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे